अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, आज का लेक्चर हमारा जो है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर नंबर 4 बेसिकली छोटा सा चैप्टर है जिसमें आपको बेसिक चीज़ें थोड़ी बहुत बताई जाएंगी, और ज़्यादातर इसमें एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको बिल्कुल नहीं कराऊंगा, वो आप खुद करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ी सी आपकी क्विज़ की बात करता हूँ। क्विज़ का कल क्विज़ था, ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट ने क्विज दिया ही नहीं। ठीक है, जिन्होंने दिया टोटल 32 स्टूडेंट थे जिन्होंने क्विज दिया, उनमें से सिर्फ 14 पास हुए हैं, 18 फेल हुए हैं। ठीक है, तो अपनी हालत देख लें क्लास। कल को जब आप लोगों के नंबर ना लगे, सेशनल 1 2 0 0 लगे, तो कल आप उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक है, आप लोग सीरियस ही नहीं ले रहे लेक्चर, ना आप लोग लेक्चर से ठीक तरह से लेते हैं, ना आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, ना आप लोग क्विज दे रहे हैं। करना कि आप लोगों ने फेल होना है तो बता रहे हैं आपको, फिर मैं लेक्चर ही ना दिया करूँगा। इनपुट की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ गिविंग मैथ एनीथिंग टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। ठीक है, जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं, चाहे वो हम उसको कोई सोल्यूशन दें, कोई और चीज़ दें, यानी कि कोई प्रॉब्लम दे, तो बेसिकली क्या होते हैं, वो इनपुट होती है। द इनपुट इज मोस्टली गिवन बाय द कीबोर्ड। ज़्यादातर इनपुट हम कीबोर्ड से देते हैं। द प्रोग्राम में नीड सर्टन इनपुट फ्रॉम द यूजर फॉर वर्किंग प्रॉपरली। प्रोग्राम में हमें डिफरेंट टाइप्स की इनपुट चाहिए होती है। लाइक जैसे हमने देखा था प्रोग्राम में कि हम 10 की ए की वैल्यू 10 देते हैं, बी की वैल्यू 5 देते हैं, इस तरह डिफरेंट वैल्यूज देते हैं। तो बेसिकली क्या है, वो इनपुट दे रहे होते हैं। दी टाइम स्टैंडर्ड इनपुट रेफर टू द इनपुट बाई कीबोर्ड। ठीक है, जो हम कीबोर्ड से इनपुट देते हैं उसे स्टैंडर्ड इनपुट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर इज नोन एज आउटपुट। ठीक है, कंप्यूटर से कुछ वापस लेना जो है वो उसे आउटपुट कहते हैं। द आउटपुट इज मोस्टली डिस्प्लेड ऑन द मोनिटर। जो आउटपुट होती है वो ज़्यादातर मोनिटर में डिस्प्ले की जाती है। लाइक जैसे आप लोगों के मोनिटर मीन आपकी स्क्रीन कंप्यूटर की या मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन जो होती है, ठीक है, उस पर जो चीज़ नज़र आ रही होती है बेसिकली वो हर चीज़ आउटपुट कहलाती है। द टर्म स्टैंडर्ड आउटपुट रेफर टू द आउटपुट डिस्प्ले ऑन द मोनिटर। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड इनपुट है जो कि कीबोर्ड से दी जाती है, इस तरह स्टैंडर्ड आउटपुट है जो कि मोनिटर पे शो होती है। द रिजल्ट ऑफ प्रोग्राम इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम का जो रिजल्ट होता है वो बेसिकली आउटपुट आउटपुट होती है प्रोग्राम की, जो हमें डिस्प्ले होती है। C++ यूज डिफरेंट स्ट्रीम्स टू परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। C++ में डिफरेंट हमारे पास फंक्शन अवेलेबल होते हैं जो ये काम परफॉर्म करते हैं। स्ट्रीम सी इन बी डिफाइन एज फॉलोज ऑफ डेटा फ्लो ऑफ डेटा। अ स्ट्रीम कैन सॉरी सी ने अ स्ट्रीम कैन बी डिफाइन द फ्लो ऑफ डेटा। इट इज एन ऑब्जेक्ट दैट यूज बाय द प्रोग्राम टू इंसर्ट और एक्सट्रैक्ट अ करेक्टर। ठीक है, स्ट्रीम बेसिकली हमारे पास जो है वो एक फंक्शन कह लें, फंक्शन टाइप होता है जो डेटा का फ्लो का बताता है, डेटा प्रोग्राम में डेटा को इंसर्ट करता है और उसमें से डेटा को गेट करता है। द स्टैंडर्ड C++ लाइब्रेरी इंक्लूड द हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम डॉट एच। ये आप लोगों ने पढ़ी है, हेडर फाइल होती है। इट कंटेन द डिक्लेरेशन ऑफ ऑल स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। ठीक है, आईओ स्ट्रीम का क्या काम होता है कि इसमें हमारे पास फंक्शन अवेलेबल होते हैं जो हर तरह की इनपुट को डिक्लेयर करने के लिए यूज होते हैं। दी हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम डॉट एच मस्ट बी इंक्लूड इन द प्रोग्राम दैट शोज एनी इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक है, कि अगर हमने अपने प्रोग्राम में इनपुट या आउटपुट स्टेटमेंट इंक्लूड करनी होती है, यूज करनी होती है, तो मस्ट है कि हमें आईओ स्ट्रीम उसमें हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम लिखनी पड़ेगी। अगर नहीं लिखेंगे तो वो इनपुट और आउटपुट वाले फंक्शन नहीं चलेंगे, काम नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड आउटपुट बाय डिफॉल्ट द टर्म स्टैंडर्ड आउटपुट रेफर टू द आउटपुट डिस्प्ले ऑन द मोनिटर। ठीक है, ऐसी आउटपुट जो मोनिटर पर डिस्प्ले की जाए उसे स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड आउटपुट कहते हैं। सी प्लस प्लस यूज दिस सी आउट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट टू डिस्प्ले स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, आप लोगों ने प्रोग्राम में देखा भी है कि हम सी आउट यूज करते हैं जब हमें रिजल्ट चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, हम एक कीवर्ड यूज करते हैं सी आउट। द वर्ड सी आउट स्टैंड फॉर कंसोल आउटपुट। ठीक है, सी मीन कंसोल और आउट जो है वो आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। दिस सी आउट ऑब्जेक्ट इज यूज विद इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, इसे ये जो एंगल ब्रैकेट है इसे इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। सी आउट के बाद हम डबल एंगल ब्रैकेट डालते हैं। ठीक है, द मैसेज और द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉलो बाय द इंसर्शन ऑपरेटर इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। ठीक है, जो इंसर्शन ऑपरेटर के बाद जो वैल्यू आती है या कोई मैसेज आता है तो वो क्या करता है, वो सी आउट के जरिए स्क्रीन पर शो हो जाता है। इसका सिंटैक्स सिंपल है, आप लोगों ने यूज भी किया हुआ है। सी आउट कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद जो इंसर्शन ऑपरेटर है वो डालेंगे, उसके बाद वेरिएबल कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन कुछ भी जो भी आप शो करना चाहते हैं। ठीक है, अगर तो वेरिएबल के वैल्यू शो करवाना चाहते हैं तो फिर उसको डायरेक्ट वेरिएबल का नेम लिख देंगे। अगर वेरिएबल आप कोई मैसेज शो करवाना चाहते हैं तो इसके बाद डबल कोटेशन डालेंगे और डबल कोटेशन के अंदर हम मैसेज लिखेंगे तो वो हमारा जो मैसेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि ये नीचे एग्जांपल्स कुछ इसने दी है, सी आउट पाकिस्तान जिंदाबाद, ये देखें ये डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है। उसके अलावा 7th 20, ये जो यही बेसिकली कांस्टेंट है इसको डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिखेंगे, सिर्फ स्ट्रिंग को डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे और करेक्टर को सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट उसने एक और एग्जांपल दिया है, सी आउट आगे ऑपरेटर डाले हुए इंसर्शन ऑपरेटर ए। ये बेसिकली ए जो है ये एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसने एग्जांपल दी है, सी आउट द वैल्यू ऑफ एन इज, आगे उसने वेरिएबल का नाम लिख दिया। इससे क्या होगा कि पहले हमारे पास ये मैसेज शो होगा द वैल्यू ऑफ एन इज, आगे एन शो नहीं होगा बल्कि एन की जो वैल्यू होगी वो शो हो जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल दी, ये इसको आप खुद करें, मैं अब आपको एग्जाम्पल नहीं करवा रहा, आप लोग सीरियस नहीं ले रहे, तो अब आप लोगों को जस्ट मैं लेक्चर अपलोड कर दिया करूँगा, आप उसमें जो मर्जी करें, खुद ही देखें उसको, खुद ही उसकी एग्जाम्पल सॉल्व करें। ठीक है, मैं अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करूँगा जस्ट। अच्छा, नेक्स्ट है एस्केप सीक्वेंस, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, ये आप सी प्लस प्लस में हम मोस्टली यूज़ किया करेंगे। ठीक है, एस्केप सीक्वेंस होता क्या है, एस्केप सीक्वेंस आर स्पेशल करेक्टर्स यूज्ड इन कंट्रोल स्ट्रिंग टू मॉडिफाई द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट। ठीक है, जो हमारा ये एस्केप सीक्वेंस होते हैं ये बेसिकली हमारे पास करेक्टर्स होते हैं जो कि जो हमारी आउटपुट है उसको मॉडिफाई करते हैं। मीन्स कि हम सपोज करें हम चाहते हैं कि हमारी आउटपुट जो है वो न्यू लाइन में शो हो, तो उसके लिए एक अलग से स्केप सीक्वेंस है। ठीक है, नीचे लिखे हैं इसको डिस्कस करते हैं। दिस करेक्टर आर यूज इन कॉम्बिनेशन विद बैक स्लैश। ठीक है, इन करेक्टर को बैक स्लैश के कॉम्बिनेशन के साथ यूज किया जाता है। द बैक स्लैश इज कॉल्ड एस्केप करेक्टर। ठीक है, बैक स्लैश को एस्केप करेक्टर कहा जाता है। डिफरेंट एस्केप सीक्वेंस यूज इन सी लैंग्वेज आर एज फॉलोज। ठीक है, डिफरेंट एस्केप सीक्वेंस है, सबसे पहले बात करते हैं एस्केप सीक्वेंस बैक स्लैश ए की। बैक स्लैश ए क्या काम करता है, दिस एस्केप सीक्वेंस इज यूज टू प्ले बीप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जाम्पल सपोज करें इसको हम जस्ट वेरिएबल के साथ या वैल्यू के साथ लिखते हैं, जैसे आप इधर देख रहे हैं सेकंड लाइन में सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, आगे वो डबल कोटेशन स्टार्ट है, उसके बाद हेलो बैक स्लैश ए वर्ल्ड डबल कोटेशन वन। ठीक है, इसका क्या काम होगा, ये अभी इस पे शो नहीं हो सकता, वो इसलिए क्योंकि ये साउंड प्ले करेगा। ठीक है, साउंड शो करना पॉसिबल नहीं है बुक पे। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखिएगा कि जब आप बैक स्लैश ए लिखेंगे तो जैसे ही वो उसको रीड करेगा तो वो एक बीप, बीप कहते हैं छोटी सी आवाज को, ठीक है, जो अक्सर सिस्टम में आती है, उस वो प्ले करेगा।
ठीक है। नेक्स्ट है बैक स्लैश बी। दी एस्केप सीक्वेंस इज यूज टू इंसर्ट बैक स्पेस इन दी आउटपुट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, बैक स्लैश बी क्या काम करता है? बैक स्लैश बी जो है वो एक बैक स्लैश या बैक स्पेस जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के कीबोर्ड पे भी बनी होती है, ठीक है, जो आपके लेफ्ट साइड से करेक्टर को डिलीट कर देती है। ठीक, जैसे आप ये देखिए एग्जाम्पल में उसने क्या किया, हेलो और बैक स्लैश बी वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन आउटपुट क्या है ये, उसने आउटपुट में जो है वो ओ को रेज कर दिया क्योंकि बैक स्लैश लगा हुआ था हमारे पास, बैक स्पेस लगा हुआ था। ठीक है, तो बैक स्पेस की वजह से उसने जो है वो ओ को डिलीट कर दिया, हेल वर्ड जो है हमारी आउटपुट शो कर दी उसने। नेक्स्ट है बैक स्लैश एफ। दिस स्केप सीक्वेंस इज यूज टू इंसर्ट ब्लैंक पेपर इन द प्रिंटेड आउटपुट, इट इज कॉल्ड फ्रॉम फीड। ठीक है, बैक स्लैश एफ क्या करता है? बैक स्लैश एफ हमारे आउटपुट में एक ब्लैंक पेपर का मीन है कि हमारी जो आउटपुट है वो एक पूरा खाली पेज आएगा, उसके बाद आउटपुट शो होगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे अब हेलो वर्ड लिखा हुआ है, इसके आफ्टर प्रिंटिंग हेलो दी कंप्यूटर विल इंक्लूड अ ब्लैंक पेपर एंड देन प्रिंट दी रिमेनिंग आउटपुट इज यूज ड्यूरिंग प्रिंटिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हमारी जो आउटपुट आएगी वो हेलो अलग आएगा और वर्ड जो है वो एक खाली पेज का मतलब है कि वो अगले पेज पे शो होगा। हमें तो बेसिकली ऐसा ही लगेगा जैसे एक पेज पे शो हो रहे हैं, इकट्ठे शो हो रहे हैं, लेकिन जब हम उसके प्रिंट वगैरह लेंगे, ठीक है, पेज पे प्रिंट लेंगे तो हेलो हमारा एक पेज पे आएगा, वर्ड हमारा दूसरे पेज पे आएगा। नेक्स्ट है बैक स्लैश एन। दिस एस्केप सीक्वेंस इज यूज टू इंसर्ट न्यू लाइन इन द आउटपुट। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा है अपने प्रोग्राम में, वो इंसर्शन ऑपरेटर के बाद एंड एल ENDLL, ठीक है, तो एंड एल यूज किया था, वो भी बेसिकली न्यू लाइन के लिए यूज होता है और इसके लिए एस्केप सीक्वेंस भी यूज होता है। ठीक है, बैक स्लैश एन जो है जिधर आप लिखते हैं, आप एग्जाम्पल में आप देखें हेलो के बाद उसने बैक स्लैश एन और देन वर्ल्ड लिखा है, तो उसने जो आउटपुट आई है वो क्या आई है, वो हेलो और नीचे वाली लाइन में वर्ड आई है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसको एक न्यू लाइन दे दी, जो उसके बाद आउटपुट आएगी वो साथ उसके शो नहीं होगी बल्कि एक न्यू लाइन में शो होगी। नेक्स्ट है बैक स्लैश आर। दी एस्केप सीक्वेंस इज यूज टू मूव द कर्सर एट द बिगनिंग ऑफ द करंट लाइन फॉर एग्जाम्पल। अब क्या करेगा, कर्सर को वो बिगनिंग में शो, जिधर आपने अब एग्जाम्पल में देखें हेलो, उसने बैक स्लैश आर और देन वर्ड लिखा है, तो उसने क्या किया, उसने हेलो को जो है वो खत्म कर दिए, ठीक है, ओवरराइट कर दिया है और वर्ड को उसने शो कर दिया, कर्सर जो आपको स्क्रीन के शुरू में वो पहुंच जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली ये वर्किंग कैसे हो रही है, इसकी थोड़ी मैं वर्किंग आपको बताता हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें पहले लिखा जाएगा हेलो, ठीक है, जब वो हेलो लिख देगा तो बैक स्लैश आर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो बैक स्लैश आर को रीड करेगा, कर्सर दोबारा फर्स्ट पे चला जाएगा, ठीक है, एच की जगह पे, और वहां से वो वर्ड लिखना शुरू कर देगा। तो बेसिकली लिखा हेलो और वर्ड दोनों ही जाता है, लेकिन जो हेलो है वो इसलिए शो नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर हमारे पास वर्ड जो है वो ओवरराइट हो जाता है। ठीक है, हेलो नीचे रह जाता है, वर्ड उसके ऊपर लिखा जाता है, ओवरराइट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सिर्फ वर्ड शो होता है। ठीक है, इसको आप देखना चाहते हैं तो इसकी एक मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप चेक कर सकते हैं। आप हेलो आगे जो पहला वो जो क्या नाम है करेक्टर है उसको आप पांच वर्ड का लिख लें, ठीक है, जैसे अब हेलो जी इसमें पांच वर्ड है, और जो अगला करेक्टर है वो पांच से कम का लिखें। ठीक है, तो आप देखेंगे, अब अगर मैं इसको वर्ड का डी ना लिखूं, डब्ल्यू और आर एल लिखूं, तो फिर क्या होगा कि वो हेलो लिखेगा, उसके बाद कर्सर शुरू पे आएगा, एच की जगह डब्ल्यू आ जाएगा, ई की जगह ओ आ जाएगा, एक एल की जगह आर आ जाएगा और एक एल की जगह आई आ जाएगा, ओ जो है वो वैसे ही शो होगा क्योंकि वो ओवरराइट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट है बैक स्लैश टी। बैक स्लैश टी जो है वो हमारे पास एक टैब इंसर्ट करने के लिए यूज होता है, जैसे आप लोगों के कीबोर्ड पे भी होता है, टैब बेसिकली 5 to 6 स्पेसेस की जगह छोड़ता है। ठीक है, 5 to 6 स्पेसेस की जगह छोड़ता है टैब। तो जब हम ये देखा हेलो, उसने बैक स्लैश टी और वर्ड लिखा है, तो हेलो के बाद उसने 5 या 6 स्पेसेस की जगह छोड़ी और देन वर्ड को प्रिंट किया है, तो
तो टैब बेसिकली क्या करता है, वो हमारे एक टैब इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। अच्छा, बैक स्लैश सिंगल कोटेशन, हमारे कंप्यूटर में अगर हमने आउटपुट में सिंगल कोटेशन शो करनी हो तो हम डायरेक्टली शो नहीं कर सकते, ठीक है, वो एरर दे देगा, क्योंकि आपको पता है सिंगल कोटेशन बेसिकली हमारे पास करेक्टर के लिए यूज होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो आउटपुट है वो सिंगल कोटेशन के अंदर आए और सिंगल कोटेशन भी शो हो, तो फिर उसके लिए बैक स्लैश सिंगल कोटेशन दोनों साइडों पे डालेंगे, तो वो क्या होगी, जो आपकी आउटपुट होगी वो कोटेड में आएगी, सिंगल कोटेशन में आएगी। इसी तरह डबल कोटेशन का है कि अगर आप चाहते हैं सिंगल कोटेशन में नहीं बल्कि डबल कोटेशन में आए, तो उसके लिए आप ये काम करेंगे कि बैक स्लैश डबल कोटेशन डाल देंगे, ठीक है। अब है डबल बैक स्लैश, डबल बैक स्लैश का मीन है कि आप एक दफा बैक स्लैश आउटपुट में शो करना चाहते हैं। जैसे नीचे देखो आउटपुट उसने एग्जाम्पल में दिया हुआ है सी आउट, आगे इंसर्शन ऑपरेटर है, फिर डबल कोटेशन स्टार्ट है, फिर सी कॉलन डबल बैक स्लैश। तो जब आउटपुट शो होगी डबल बैक स्लैश नहीं शो होगी बल्कि सिंगल बैक स्लैश शो होगी। तो ये थे स्केप सीक्वेंस, इसके नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करें, इनको आप टर्बो सी प्लस में करके चेक करें, अगर कोई एरर आता है तो वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ तक था, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।